कैजुअल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, सारा की फ्रेंड। आप मुझे कह रही है? नहीं, ये गुलदान को कह रही हूँ, ये मेरी बात सुनता है। आइला, ये बकरा कहाँ से आ गया? Yes. उस चुड़ैल से कहो पीछा छोड़ दे तुम्हारा। बस आ जाओ तुम सारा, जरा दूर होके बैठो, तुम्हारे अंदर से बकरी किसी आ रही है। 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। बाबा, ये देखिए कैसी है। कोई नहीं, अम्मी ढूंढ ली है क्या? बाबा ऐसे नहीं बोलो, देखें कैसे लश जानवर आए इस बार मंडी में। फहद, इस वक्त तो मैं जानवरों की तस्वीरें देखना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ ने गधा बना दिया मुझे, समझे? बाबा देखें, आप और मम्मा इतना क्यों लड़ते हैं? 6 महीने से मैं आप दोनों के बीच में फुटबॉल बन के रह गया हूँ। तो कौन कहता है तुम्हें घड़ी घड़ी उठ के अपनी माँ के पास चले जाओ? अरे आराम से रहो मेरे पास, अयाशी करो। अयाशी 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 क्या होती है बाबा? पूरे दिन घर में बैठ के टीवी देखना, ये होती है अयाशी? फहद फहद, ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ सिखा कर भेजती है। तुम जब भी उसके यहाँ से होकर आते हो इसी तरह की उठपटांग बातें करते हो। चलो जाओ यहाँ से उठ के। बातें तमीज लगा। क्या हो गया इस घर को? बाबा कैसे? वैसे ही हैं, हड़ा राम। ये क्या बदतमीजी है? अम्मा, आप ही तो इनको ऐसे बोलती थी। सिर्फ मैं कह सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को इस बात का कोई असर ही नहीं होता। इस आदमी को बिल्कुल अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं है। 2 साल से मैं पैसे जमा कर रही हूँ बकरा ईद पे कि जानवर लेके आएंगे। जानवर के नाम पे एक मुर्गी तक नहीं लेके आए आदमी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अम्मा, ये स्टोरी मुझे ज़बानी याद हो गई। तुम बिल्कुल बाबा की तरह बात करने लग गए हो। जब तुम वहां जाते हो बदतमीज बन के आते हो। चुप करके नाश्ता करो। और फहद बाबू कैसे हैं आप? मानी मामू, आपके अंदर से कुबर की बदबू आ रही है। मंडी से आ रहे क्या? हाँ, दोस्तों के साथ मिलके बकरों का स्टॉल लगाए, इंस्टॉलमेंट पे बकरे दे रहे हैं हम लोग। देखो बकरे तो बड़े अच्छे। स्टॉल किसका है? मोइन, सुबह से 100 कॉल्स कर चुकी हूं, कभी फोन बंद है कभी बिजी है। उस चुड़ैल से कहो पीछा छोड़ दे तुम्हारा। शक्की औरत कहीं भी चैन से नहीं बैठती। मैं शक्की नहीं हूं। डॉली आपा का फोन आया था, फहद को बुखार है। फहद की नहीं, मेरी तबीयत खराब थी। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। लापरवाह आदमी, कभी तो अपनी सेहत का ख्याल किया करो। नहाए होगे ठंडे पानी से? 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। 10 दिन से? सुधर जाओ, फहद का भी ख्याल रखना है तुम्हें। सारा, उसकी फिक्र तुम मत करो, ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ।
मोइन, हेलो हेलो मोइन, हेलो हेलो कैजुअल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे आप हैं? हाँ वो क्लाइंट्स के लिए कहना पड़ता है ना। हाँ नहीं अभी खाना कहाँ खाया? नहीं नहीं कोई भी नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं? ओफो गाना सुनाऊं? नहीं ना चल लगेगा ऑफिस में बैठ के गाना सुना। अच्छा अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं सुना देती हूँ, आंखें बंद करें अपनी मैं सुनाती हूँ। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, एक नशा सा छा गया हम बिन पिए लहरा गए, आप दिल की नहीं बता सकती मैं फोन करती Yes. क्या यार फहद तुम कैसे खेल लेते हो यार? बस मैंने अपने पापा से सीखा है, अब तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है लेकिन मुझसे एक्टिंग वेक्टिंग नहीं होती, तुम्हारी मामा बहुत तेज है, जान जाएंगी कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। देखिए मानी मामू आप समझे मुझे, मुझे इन दोनों के साथ ईद मनानी है। ठीक है लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? बस आप डरे नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। हेलो मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, सारा की फ्रेंड। जी मोइन भाई कल ना सारा हमारे घर आई थी, आपको याद करके बेइंतहा रो रही थी, इतना रो रही थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखे ना ईद करीब है और आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। जी जी बस आप उसको ये मत बताइएगा कि मैंने आपको फ़ोन किया था, बस मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं होती। ओके ओके बाय। चले एक और गेम खेलते हैं। मेरी जान मेरा गुड्डा मेरा चैन दिल का सुरूर, गुड्डे कैसा है तू? डलिया पर कहां से आ गई? नहीं उप्पो आ गई हैं। अब तुम एक काम करो, देखो हम ना प्लान बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैजुअल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू? फादी मेरी जान मेरा गुड्डा मेरा चैन दिल का सुरूर, गुड्डे कैसा है तू? हाँ ना बताया था आ तो रही हूँ, बस कल दोपहर में निकलूंगी। हाँ इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाऊंगी घर। हाँ मेरा गुड्डा ठीक है, चलो मैं आऊंगी ना, देख लेंगे दोनों मिलके सबको। ओके अच्छा सुन ना बाबा को नहीं बताना अच्छा कि मैं आ रही हूँ, सरप्राइज है नहीं मेरी जान। ओके जान अल्लाह।
Fadi! डॉली कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, अरे बाबा डॉली पुप्पो, नहीं नहीं हटे। अरे मुझे देख के दरवाजा बंद कर लिया तूने? पापा मुझे ऐसा लगा कोई सर्फ बेचने वाली आई है। हाँ वैसे आप गोरी हो गई। अच्छा ज्यादा बकवास मत करो, आंखें खराब हो गई हैं तेरी। अल्लाह तू तो बिल्कुल गंजा हो रहा है, बाल जा रहे हैं, कितने घने घने बाल थे। क्या कह रही है आपा, बाल तो सारे सारा के साथ ही चले गए, जो रह गए वो भी झड़ रहे हैं। कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है, मैंने जहाज में कुछ नहीं खाया पता। कितना तेरा सर सूख रहा है फादी, सारा तेल पी गया? ये मुझे सारा के लिए ना कुछ सोचना पड़ेगा, बड़ी जिद्दी है, एक नहीं सुनेगी मेरी। वैसे तूनू जब भी बात करते हैं सिर्फ लड़ते हैं, ऐसे तो कभी भी साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बेटा, पुप्पो आ गई हैं अब। तुम एक काम करो, देखो हम ना प्लान बनाते हैं। बाबा को फोन करो जल्दी से, जैसे हमने प्लान किया है। हेलो हेलो बाबा, वो गैस का पाइप फट गया है। कैसे, कहाँ? तुम रुको मैं आ रहा हूँ। मैं और डॉली पुप्पो घर के अंदर नहीं जा रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। फहद तुम बाहर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। हेलो सारा, हाँ वो ना अभी तक वहाँ स्कूल से नहीं आया, तो मुझे ना उसके स्कूल का एड्रेस भी नहीं पता। हाँ और कल रात को उसको बुखार भी था बेचारा बच्चा, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं अभी आती हूँ। दरवाजा बंद। रिक्शा रिक्शा नहीं, उधर से लेंगे ना, उधर से नहीं, जाओ चलो। मोइन क्या कर रहे हो? सारा गैस लीक हो रही है। कहाँ गैस लीक हो रही है? सारा गैस लीक हो रही है, से कैसे? हटो यहाँ से, मुझे दो। सारा मत जाओ, कुछ नहीं हो रहा। जाएंगे सारे, नहीं हटेंगे, छोड़ो मुझे। सारा मत करो, कुछ नहीं हो रहा। सारा डॉली आपा, अगली बार ना कोई ऐसा बहाना बनाइएगा जिसमें मुझे मोइन की शक्ल ना देखनी पड़े। बस अब बहुत हो गया, अब तुम मुझ पे बोझ बनती जा रही हो। आपा डॉली पप्पो, आपा डॉली पप्पो, आपा क्या हुआ आपको? आपा होश में आए?
उफ, मैं तो बहुत थक गई। वैसे पता है आइसक्रीम बहुत मजे की थी। आइए आइए। अरे सारा आई है। क्या लोगी, जायदाद में तो फहद का हिस्सा है। मिल गया आपको फहद का स्कूल आसानी से? फहद तो खुद ही आ गया था स्कूल से। और फहद, गैस किसने खोली थी? बदबू कहाँ से आई थी गैस की? गैस, मैं जरा टॉयलेट साफ करूं। अरे डॉली आपा, अगली बार ना कोई ऐसा बहाना बनाइएगा जिसमें मुझे मोइन की शक्ल ना देखनी पड़े। सुनो, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ, मत देखो। अरे तो लड़ क्यों रहे हो? चलो मैं तुम्हें अच्छे से चाय पिलाऊं। नहीं डॉली आपा, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, मैं जा रही हूँ। अरे सारा, सारा रुको। चलो अब तो मंदिर। सारा, बस अब बहुत हो गया, अब तुम मुझ पे बोझ बनती जा रही हो। अपने घर वालों के साथ जाकर ईद मनाओ ना। और वैसे भी यहां मेरी बीवी आकर रहेगी। पहले बीवी ले आओ। ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तू सुना? बस यार, क्या करना है, काम वाम की तलाश। आपा? डॉली पप्पू! आपा? डॉली पप्पू! आपा क्या हुआ आपको? आपा होश में आए? बाबा क्या हुआ आपा? बहुत, तुम मुझे ख्याल करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आपा प्लीज, आपा रुके। आठ, नौ और ये पूरे 10। मानी एक बात बताओ, ये 10,000 काफी होंगे ना अच्छे तगड़े बकरे के लिए? क्या हो गया सारा, इतने पैसों में तो बकरे के कान भी नहीं आएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 10 और जमा कर लूंगी। अभी तो पूरे 15 दिन हैं बकरा ईद में। इस दफा तो मैं बकरा जरूर खरीदूंगी, मेरा फहद हमेशा मचलता रह जाता है। इस दफा तो ईद में मैं उसे सरप्राइज दूंगी। ज्यादा उड़ो मत सारा, इस बार वो ईद अपने बाबा के साथ करेगा। याद है मीठी ईद उसने तुम्हारे साथ की थी? एनी कुट के ना फड़ मेरी बां। मैंने सोचा था ये बकरी तुम्हारे साथ गुजार लूंगी, पर सारा के और फहद के और अपने मुइन के आगे अल्लाह की मर्जी। अपनी कैची जैसी जुबान तो बंद करो सारा, जैसे मैंने खुद खोया बच्चा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हैं? एनी कुट के ना फड़ मेरी बां। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? क्या हुआ इन्हें? यार इनका दिल बहुत ही कमजोर है। मेरा दिल बड़ा कमजोर है, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, मेरा दिल बड़ा। अब क्या करेंगे? इनका दिल बहुत ही कमजोर है और ये ईद शायद इनकी आखिरी ईद हो, बस अब दुआ ही कर सकते। मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना, इस ईद को मेरी
आखरी बकरीद समझना। ऐसा ना कहें आप ही, अच्छी भली तो थी आप ही, आप क्या हो गया है आपको? मोइन, मोइन बस अल्लाह की मर्जी मोइन, हाय अल्लाह की मर्जी मोइन। मैंने सोचा था ये बकरीद तुम्हारे साथ गुजार लूंगी, पर सारा के और फहद के और अपने मोइन के आगे अल्लाह की मर्जी पता नहीं क्या हो। छोड़े ना आपा सारा को, मैं और फहद काफी हैं आपके लिए। आपा सारा जा चुकी है यहाँ से, अब वो वापस नहीं आएगी। सारा को वापस ले आ मुईन। अरे तू बोलता क्यों नहीं, सारा को वापस लाओ, ले आ मुईन सारा को वापस। अरे बस करें ना आप ही, बस करें, हद है भाई। तेरी वजह से मेरी एक्टिंग खराब हुई है, मेरी वजह से बार बार हिल रहा था मेरा फोकस, इधर जा रहा है, देखा ना वो चला गया, अब सोच ले कुछ। अम्मा, मेरे सारे दोस्तों के घरों में बकरे आ गए हैं, हमारा कब आएंगे? मेरी जान, हमारे भी आ जाएंगे, डोंट वरी। आपको याद है एक दफा बाबा बकरा लाए थे, बेचारा बकरे से पहले इमोशन कर करके मर गया था। हाय फहद, तुम्हारे बाबा के काम ही ऐसे हैं, 15 साल हो गए भुगतते हुए, पर इस दफा तुम यहाँ ईद करोगे तो पक्का हम यहाँ पे कुर्बानी करेंगे। यार मेरा बच्चा लापता है, मैं कैसे इत्मीनान से रहूं? पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ करो, क्या फायदा मेरे दोस्तों के पुलिस में होने का? यार प्लीज किसी से बात करो, कुछ पता करो, मुझे कॉल करके बताओ, मैं इंतजार करूंगा, प्लीज यार। सुबह से मेरा बच्चा तुम्हारे पास से गायब है, लापरवाह इंसान, ना कभी अपना ख्याल रखा और ना फहद का ख्याल रख सकते हो। यही उम्मीद थी मुझे, यही होने वाला है, आप देख लें, देख लें आप। अपनी कैची जैसी जुबान तो बंद करो सारा, हर वक्त बोलती रहती हो। देख रही हैं आप, जैसे बच्चा मैंने खो दिया है। पापा ये कभी नहीं बच्चा संभाल सकेगा। क्या जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी, जैसे मैंने खुद खोया बच्चा। हर वक्त जानवरों की तरह लड़ते रहते हो, मेरा बच्चा गुम हो गया, जान बचा के ढूंढो उसको। ए यार डॉली बुप्पो ने कहां फंसा दिया है, स्लो है लो, 5 घंटे से इधर बैठा हूँ, होगा कुछ आता पता नहीं है। आप लोगों से बहुत नाराज हूँ, और खास तौर पर मामा और बाबा से। हाय ला, ये बकरा कहाँ से आ गया? एक गधे के मामू, मेरा मतलब है फहद के मामू। फहद का खत आया। हेलो मामा और बाबा, टॉली पुप्पो आप भी सुन ले, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ, और खास तौर पर मामा और बाबा से। इन दोनों ने मुझे एक खेल समझ लिया, दोनों मुझे लेकर हर वक्त लड़ते रहते हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं, आप दोनों से प्यार करता हूँ, दोनों के साथ एक घर में मिलकर रहना चाहता हूँ, बकरीद भी आप दोनों के साथ मिलकर मनाना चाहता हूँ। अगर आप दोनों को मेरी फिक्र है और आप एक साथ रहने के लिए राजी हैं, तो मुझे अलमारी से निकाल लें और हाँ मुझे इस बार
गाय की कुर्बानी करनी है। आप दोनों मिलकर गाय लेकर आए। सुनो जी, ये क्या चने की दाल का कोरमा खिलाओगी हमें आज? नहीं आप ही, कबाबों के कीमे में डालूंगी, देखिएगा कितनी मजे की बनेगी। सुनो, ये हमारा मुइन जो है ये क्या बैंक गया है पैसे लेने या बैंक को लूटने गया है? ऐसा कैसे? फोन करो ना, आया क्यों नहीं अभी तक? मैं नहीं करती फोन वो नापी, पता तो है आपको, वैसे ही मुझसे चिढ़ा रहता है। ये बेकार सा। हाय अल्लाह, ये बकरा कहाँ से आ गया? माफ करना बट जरा दूर होके बैठो, अजीब बकरे किसी आ रही है तुम? आपा है? इतने अरसे से जो पैसे जमा करके रखे थे ना, आज मैं गाय ले ही आया। अरे है क्या? अरे फहद, पता है मैं कह रही थी कि ये जो है आपको भी जाओ, प्लीज जाओ। अरे आपा, पूरा कराची एलर्जी हो जाती है मुझे, जाओ जाओ जाओ। एक बकरी ने सींग भी मार दिया मुझे। जाओ जाओ। अरे आपको क्या हुआ? आए हैं, खत्म हो गया गाना। लोग इस घर में अपना काम ढंग से भी नहीं कर सकते। मिल गई है ना बस नौकरानी, वापस आ गई है, अब करेगी इनका काम। फहद ने मुझे फंसा दिया। या अल्लाह, ये चार दिन ईद के गुजरे और मैं जाऊं यहां से। अब आ ही गई हो तो कुछ काम भी कर लो। हाँ, काम ही तो करने के लिए बुलाया है, और किस लिए बुलाया है मुझे? कैसे जख्मी किया है मेरे बच्चे को? क्या जरूरत थी लड़ने की? वो हमारी गाय को गधा कह रहा था। तो इसमें गलती क्या है? है तो ऐसी। एक गधे के मामू, मेरा मतलब है फहद के मामू। ज्यादा ना आग लगाने की जरूरत नहीं है। फहद, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बनते जा रहे हो, लड़ाकू। डॉली आपा, ये मोइन ने ना, शुक्र करो अल्लाह का कि उसने हमें कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई है, और तुम तो इतनी नाशुक्री नहीं थी। आय हाय हाय हाय। अरे जाओ ना, चोट का पाउडर लाओ। इसको मेरे ख्याल से इंजेक्शन लगवा दो टेक्निक्स का जाके। Thank you.
हाँ मोइन, कहाँ हो तुम? सारा, मैं एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ। इंटरव्यू के लिए आए हुए हो? अच्छा। हाँ, इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, कैसा रहा इंटरव्यू? तुम्हारी ये जासूसी की आदत जाएगी नहीं सारा। तुम्हारी लापरवाही की आदत कब जाएगी? पता भी है कुछ घर में होता क्या है? तुमने फहद को तो खराब करके रखा हुआ है। इस ईद मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाऊंगी। क्या क्या? तुम जैसे नकारा और बेकार इंसान के साथ मैं एक मिनट नहीं छोड़ूंगी अपना बच्चा। तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके जाके तो बताओ, मैं भी देखता हूँ। ये तो बहुत खुशी की खबर है। बताए ना, क्या बात है? वो जो हमारे ऑफिस में बदर साहब है ना, वो जो बदर साहब है, तो उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या? आप ही सच बताएं। ये तो बहुत खुशी की खबर है। खैर, आपने उनका इंतजार भी तो बहुत किया है, बहुत सब्र किया है आपने। हाँ। और सच्ची मोहब्बत मिल ही जाती है। लेकिन पता है, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरे जाने के बाद तो तुम तो एक दूसरे को काट खाओगे। सारा, तुम्हें याद नहीं कितनी दीवाना वार उससे तुम मोहब्बत करती थी? हाउ रोमांटिक। कई बार तो मैंने तुम्हें अपने फ्लैट के नीचे से पकड़ा है, घंटों घंटों जो तुम वहां खड़ी रहती थी। हाय, वो भी क्या दिन थे ना आपी। हाँ। हर बात बर्दाश्त कर लेती थी मैं मोइन की। बड़ी क्यूट थी। लेकिन आपका भाई तब भी ढीला एक घंटा लगाता था नीचे आने में। सारा, अल्लाह के वास्ते ये झगड़े छोड़ दो। देखो, इतने दिनों के बाद ना ऐसा वक्त आया है कि दोनों मियां बीवी तुम साथ हो गए ईद पर, और वो बच्चा मेरा फहद साथ ईद मना रहा होगा, उसकी खुशी तो दीदनी है भाई। प्लीज अपने बारे में कुछ सोचो, अपने घर के बारे में कुछ सोचो। आप मुझे कह रही? नहीं, ये गुलदान को कह रही हूँ, ये मेरी बात सुनता है। आपी, मोइन कभी नहीं सुधरने वाला, वो वैसे का वैसा ही। आपी, मैंने सोचा था मेरे जाने से शायद कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ही स्टिल द सेम। आपी, वो कभी नहीं बदलेगा। भाड़ में जाओ तुम दोनों मेरी तरफ से। अच्छा चलें, मुझे बताएं क्या आपको उन्होंने प्रपोज कैसे किया? मैं नहीं बता सकती। चलो जी, अब हंसना शुरू। मुझे पता है आपको बहुत हंसी आती है, लेकिन ये तो बताएं कि प्रपोज कैसे किया। अच्छा देखो, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और लंच टाइम हो चुका था, तो मैंने देखा कि सामने से ना कोई आ रहा है। मैंने यूं करके देखा तो मेरे आ गए वो बदर, आ रहे थे ना, तो वो सीधे रिसेप्शन पर आया। रोमांटिक हो? हाँ, वो मुझसे कहने लगे कि वो मैं नहीं बता सकती। नहीं ना, आप ही बताएं ना, प्लीज मुझे सुनना है। नहीं, मैं चूल्हे पे दूध रखा है। हाय हाय, अच्छा आप जरा मैं कर लेती हूँ, तुम जाओ 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 जाओ।
पहले जैसा मजा है ना अभी तक मेरे हाथ में। हाँ लेकिन मैं तो बस खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। सारा नरगिसी कोफ्ते तो बना दो, तुम्हारे हाथ के खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। जी आप ही खशखाश मंगवा लूं तो फिर बना दूंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा फहद हटो, जगह दो, आइए बैठिए ना प्लीज। बैठिए ना। मैं जरा बैग छोड़ कर आती। फहद बेटा जाओ फुप्पा के लिए पानी लेके आओ। चलो शाबाश उठो। अच्छा आप ही, मैं जरा देखती हूँ फहद पानी नहीं लाया अभी तक। डॉली हेलो और कोई रह गया हो तो उसे भी बुला लो। गजब खुदा का सराय खाना बना दिया मेरा घर। फहद बेटा जाओ पीछे वाले गमलों को पानी दो। और तो और अगला दो बकरे भी लेकर आया है, कमाल है। कितना जलते हो तुम मोइन, तुम्हारी अपनी बहन का घर बसने जा रहा है, कुछ तो शर्म करो। खैर ऐसे इंसान से क्या कहना जो खुद अपना घर नहीं बसा सका। और अगर बकरे लेकर आए हैं कुर्बानी के लिए, कम से कम उनको ख्याल तो आया। मैं घर नहीं बसा सका। सारा ये घर छोड़कर तुम अपनी मर्जी से गई थी। और सुनो मैं भी गाय लाया हूं, समझी? अच्छा वाह, अब सारा इल्जाम मेरे पर आ गया है। और जो तुम सारा दिन हर ड्रामों की तरह घर में पड़े रहते हो, उस पे मैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दूं या सितारा इम्तियाज पेश करूं, डिसाइड कर ले। बाज आ जाओ तुम सारा, बाज आ जाओ, बता रहा हूं मैं तुम्हें।
पता है आपको इन दोनों की लड़ाई झगड़े में कौन मारा गया? ये मेरा बच्चा सूख के छुहारा हो गया, मुंह देखिए इसका बिल्कुल चूहे की तरह हो गया। हाय हाँ चूहा, बिल्कुल चूहा। ओपो, अच्छा अच्छा उन दोनों को एक करना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है, हमने हर कोशिश कर ली, इतनी तरकीबें लड़ाई, जितनी एफर्ट्स हमने की, नतीजा क्या हुआ? 0/0, है ना? अभी हारे नहीं हैं पप्पू, हैं? हारे नहीं? नहीं। अरे बेटा जाओ चाय और बनवाओ। डॉली। जी। गाना सुनाओ ना। मैं गाना? नहीं नहीं। अच्छा किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। आप उधर देखें, मुझे नहीं गाया जाएगा, मुझे शर्म आती है। उधर देखें, उधर देखें। अच्छा अच्छा उधर देखें। अच्छा मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। इधर फिर देखना शुरू कर दिया, मैं नहीं सुना रही, इमरजेंसी आ रही है, मैं नहीं गा रही। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। भागे। हाय हाय। क्या? कैसे? गैर जिम्मेदार आदमी, तुमने बांधी नहीं होगी सही। तो ऐसे झिझक रही हो जैसे तुमने मुझे पहली बार तौलिये में देखा। छह महीने से मेरा फहद का इस घर का क्या हाल है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम भी तो छोड़ के भूल गए थे, लेने नहीं आ सकते थे। इतनी बड़ी नाक हो गई है तुम्हारी। शादी से पहले जब मैं नाराज होती थी भागे भागे चले आते थे, सारा, मैं अभी भी वैसा ही हूं, बस तुम ही भूल गई हो मुझे। मैंने ही भूली हूं तुम्हें, जब भी फहद आता था हर वक्त तुम्हारी बात करती थी। सारा प्लीज ईद के बाद भी यहां रुक जाओ। सारा इस घर को, फहद को, मुझे, हम सबको सिर्फ तुम चाहिए, प्लीज रुक जाओ सारा। मैं तो रुक जाऊंगी मोइन, तुम कब सुधरोगे? सारा मैं सुधर जाऊंगा, तुम जानती हो मुझे सिर्फ तुम ही सुधार सकती हो। अरे बदल भाई प्लीज कुछ लीजिए ना, आप प्लीज दीजिए ना इनको। ये तो कलेजी खाएंगे जब घबराऊंगे। बेटा कसाई 2 घंटे तक। 2 घंटे? नहीं दे रहा पापा।
बद्र भाई, एक सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों को शाम को खाने पे बुलाया है। सरप्राइज ये है कि आपकी और आपी की मंगनी आज रात हमारे घर से होगी। हमारे घर? क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरे, सारा के और फाहद के घर से, समझी? जी। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र, मुबारक हो तुम लोगों को। आपको तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बदर भाई। मोइन भाई, गायब भागे। हाय हाय, क्या, कैसे? मैंने तो सही बांधी थी। गैर जिम्मेदार आदमी, तुमने बांधी नहीं होगी सही। अरे मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने सही बांधी थी भाई। नहीं, मैं नहीं रह सकती, आप ही बोली बोली सब कुछ हो रहा है। देखा अभी आपने, हर बार किसी तरह से बात करती है। अगर ये नहीं रह सकती फिर मैं भी नहीं रह सकती। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सिर्फ आप लोगों को चेक करने के लिए। मजाक कर रहे थे बेटा, मजाक तो हम भी कर रहे थे। हमें पता है मोइन ने कहाँ गाय बांधी है। अरे ठीक है, मेरे कान तो छोड़िए ना। अच्छा फिर पहले वादा करो, अभी यहाँ पे बदर भाई की और आपी की ढोलकी करेंगे हम, और तुम्हें भंगड़ा डालना है। अच्छा ठीक है, जम के भंगड़ा डालोगे आज? बोलो, डालोगे भंगड़ा? हाँ ठीक है। गोरी दा, गोरी कला मरोड़ी नखरा गोरी दा।